हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या मास आज आप पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पार्ट टू यानी कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है इससे आधे टॉपिक हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है पूरी प्ले का लिंक है तो आप उसको तो सारी वीडियोज आ देख सकते हैं ठीक है थीके? और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर पी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ सबसे बड़ा टॉपिक है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन ठीक है अब आइंस्टीन ने भी फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन दी थी उसको पढ़ते हैं तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अलग अलग डेफिनेशन सबने दी है तो एलबर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी उन्होंने कहा कि जो फोटोलेक्ट्रिक एमिशन है डे नॉट टेक प्लेस बाय कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के से एमिशन नहीं होता है जबकि वो होता है क्वांटम ऑफ एनर्जी से जो हमारा क्या होता है यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे ईच क्वांटम ऑफ ब्रेडियंट एनर्जी हैज एनर्जी एच न्यू यानी कि हर क्वांटम में यानी कि हर क्वांटम में कितनी एनर्जी होती है एच न्यू एनर्जी होती है पर एच और न्यू क्या होता है फ्रिक्वेंसी ठीक है अब इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ने इन्होंने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और वो वो एनर्जी तब तक तक करता है जब तक कि मिनिमम एनर्जी को रीच ना कर जाए जिससे कि वो मेटल सर्विस से एस्केप कर जाए ठीक है इसे ही हम क्या कहते हैं फाइनेटिक एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रॉन की और इसे ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे जिसकी वजह से हम के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव कहते तो हैं फाइन नॉट होता है आपका वर्क फंक्शन इसे ही हम क्या कहते हैं आइंस्टीन की फोटो इक्वेशन कहते हैं अब आता है इंटरफ्रेंस के मैक्स यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है डिपेंड्स लीनियरली ऑन वी एंड इट्स डिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दिस इज बिकॉज फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द प्रोसेस अब जो के मैक्स यानी किटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है वी पे यानी कि फ्रीक्वेंसी पे यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम का काइनेटिक एनर्जी ठीक है थीके? सर्च काटिक के मैक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव दिस एम्प्लाइज दैट फोटोलैक्टिक एमिशन इज पॉसिबल यानी कि जो के मैक्स होता है नॉन नेगेटिव होना चाहिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो फोटोलेक्ट्रिक एमिशन होगा वो पॉसिबल होगा यानी कि देखो एच न्यू अगर फाइन आउट से बड़ा है तो वी 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 नोट से बड़ा होगा तो वी नॉट इक्वल टू फाइन आउट अपॉन एच ठीक है अब देखो दिस वॉज ग्रेटर द वर्क फंक्शन द हायर द मिनिमो थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी थ्री फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को गैदर करने के लिए ताकि वो एक्सकेप कर सके मेटल सर्फेस से ठीक है दस दियर एग्जिस्टर थ्री सोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर द मेटल सर्फेस बिलो नो विश्नो इलेक्ट्रिक पॉसिबल यानी कि एक किसी भी मेटल सर्फेस में एक थ्री सोल्ड फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिसके नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी जब होती है तो उसमें कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता जैसे ही फ्रीक्वेंसी उनमें से बढ़ जाती है तब क्या होता है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है ठीक है अगला है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया पर इन टाइम अब जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया कितने यूज करेगा ठीक है द ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जितनी ज्यादा क्वांटा अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्वांटा को एब्जॉर्व कर रहे होंगे ठीक है और उसी की वजह से जितने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे उतने ही ज्यादा क्या करेंगे मेटल सर्फेस से बाहर निकलेंगे इसे ही क्या कहेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और हम इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं अब फोर्थ पॉइंट है द बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एब्जॉप्शन ऑफ लाइट क्वांटम ऑपन इलेक्ट्रॉन अब जो बेसिक प्रोसेस होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होती है हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस यानी कि लगातार होती रहती है दिस

फाइव नोट अपॉन ई ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ठीक है दिस प्रोडिक्ट दिस प्रोडिक्ट दैट द वी नॉट वर्सेज वी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एच बाई अब जो वी नॉट और वी के बीच का जो कर्व है वो h अपॉन ई कर्व है इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटीरियल जो बिल्कुल भी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है अब देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन है कि फोटॉन्स ऑफ एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन जीरो पॉइंट फाइव ई ठीक है द रेशियो ऑफ कनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट कनेटिक एनर्जेटिक फोटोन इन बोथ केसेज विल बी तो देखो हम सबसे पहले हमको गिवन है ए, हमको दे रखिए फोटोस ऑफ एनर्जी वन ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है हमको दो बार का ठीक है एचन न्यू दे रखा है तो के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट है तो फियर फोर के वन इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव होगा तो जीरो पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी पहले वाले की और वैसे ही टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव किया तो वन पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे वाले की होगी तो दोनों का रेशियो निकाला तो हमारा आया वन रेशियो थ्री आंसर ठीक है तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ऑन टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटीरियल एम वन एंड एम टू इसल फ्रीक्वेंसी ग्राफ है जिसमें एम वन और एम टू ग्राफ में एक दो लाइन है मटीरियल की ठीक है आइडेंटिफाई द सर्फेस ग्रेटर वॉल्यू ऑफ वर्क फंक्शन अब हम इन दोनों को डिटर्माइन करना है कि किस सरफेस की ज्यादा वर्क फंक्शन होगा तो देखो वी नो दैट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन अब ये कह रहे हैं कि हमें पता है

फुल्ली स्टॉप बाई स्टार्टिंग पोटेंशियल थ्री पॉइंट थ्री वोट इफ फोटो इलेक्ट्रिक कमीशन बिगन इन दिस एट फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट हर्ज कैलकुलेट द वर्क फंक्शन हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है और देखो फाइन इक्वल टू एच न्यू नॉट है तो फाइनॉट इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाला अब हम जानते हैं कि ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइनॉट है तो वी इक्वल टू न्यू यानी कि फ्रिक्वेंसी इक्वल टूवी नॉट प्लस फाइन नॉट अपन एच यानी कि वी की वैल्यू कैसे आ जाएगी वन पॉइंट थ्री इन टू टू दावर फिफ्टीन हर्ज अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी सिक्स मल्टीप्ला द टू 14 हर्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर द पावर एमिटेड इज टू मंडीप्रा टेन टू पावर माइनस थ्री वॉट कैलकुलेट फर्स्ट एनर्जी अ फोटोन और दूसरा नंबर ऑफ फोटो अब पहले इक्वल टू एच न्यू एनर्जी तो सिंपल निकाल दो एच न्यू यानी कि एच आपको प्लान कॉन्टेंट के लिए बताया मानेस थर्टी फोर और न्यू फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर दे रखी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है अब है अगला वो निकालना है नंबर ऑफ फोटो कितने फोटोन्स आएंगे तो नंबर ऑफ फोटो होगा पी इक्वल टू एन ई और एन इक्वल टू पी ए पॉन अब पी है टू इन टू टेन टू द पावर माइनस थर्टीन तो नीचे एक ही जगह सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमारी सारी वैल्यूज आ गई ठीक है अब देखो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन गेट्स गेट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस चेंजेस फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2 अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की उदलते रहती है वेवलेंथ ऑफ लाइट से जब वो लैम्डा 1 से लैम्डा 2 होती है ठीक है अब हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है और वर्क फंक्शन के साथ साथ मेटल सरफेस का ठीक है के वन इक्वल टू एच ई अपन वन माइनस एच सी अपन लेमडा टू लेमडा जीरो तो के टू इक्वल टू एच सी एपॉन लेमडा टू माइनस एच सी अपन एमडा जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के टू इक्वल टू टू के वन है अब दोनों की जगह वैल्यू रख दो के टू इक्वल टू टू के वन तो इस तरीके का वैल्यू आएगी तो लेमडा जीरो इक्वल टू टू लेमडा वन लेमडा टू अपॉन टू लेमडा टू माइनस लेमडा वन अब इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट होता है तो फाइनॉट इक्वल टू एच सी टू लेमडा टू माइनस लेमडा वन लेमडा टू लेमडा वन हो जाएगा

वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में भी, भी यानी कि उनका इंटेंसिटी कुछ भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है पर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गेंथर इज ऑनलीज इन द नंबर ऑफ फोटो पर सेकेंड अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा देंगे बस उस नंबर ऑफ फोटोस पर सेकेंड में बढ़ेंगे जो एक एरिया से पास हो रहे होंगे ठीक है विथ ईच हैविंग द सेम एनर्जी और सबके बाद अभी भी क्या होगी सेम एनर्जी ही होगी दस फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अब जो फोटोन एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन के क्या है इंडिपेंडेंट है अगला पॉइंट है आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फोटोन होते हैं बहुत ही न्यूट्रल ना ही उन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डिफ्लेक्ट कर सकता है इन्हें फोटोन पार्टिकल कलेजन यानी कि जब फोटोन और पार्टिकल कलाइट करते हैं टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम होते हैं वो कंजर्व रहते हैं और जो नंबर ऑफ फोटो होते हैं वो कंजर्व लेते न्यू फोटोन में भी क्रिएट यानी कुछ फोटोन क्रिएट हो जाते हैं और कुछ फोटोन दिए जाते हैं अब अगला टॉपिक आता है हमारा वेब नेचर ऑफ मैटर यानी कि मैटर का वेब नेचर लुइस विक्टर डी ब्रॉगली पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेब लाइक प्रॉपर्टीज अंडर विच सुटेबल कंडीशन यानी कि जो डी ब्रॉगली थे, उन्होंने कुछ अपनी हाइपोथेसिस रखी और उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल मूविंग पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते हैं वेब लाइक प्रॉपर्टीज को एक अपने अंदर कंटेन करते ही प्रपोज दैट द वेव लेंथ करतेमडा एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी इज गिवन यानी कि मोमेंटमडा और मोमेंटम को यानी कि और मोमेंटम को उन्होंने आपस में जोड़ दिया और उन्होंने बताया कि इक्वल टू एच अपॉन पी होता है यानी कि एच अपॉन एम बी भी उसको लिख सकते हैं जहां पर एम मास पार्टिकल है मास ऑफ द पार्टिकल है वी उसकी स्पीड है इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं डी डीप्रॉगली रिलेशन कहते हैं और डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहते हैं और कभी कभी इसको हम डी ब्रॉगली वेबरेन्थी भी कहते हैं ठीक है तो इस is also satisfied by a photon for a photon p equal to hb upon c so lambda equal to h upon p equal can do you have a c upon v okay that is the de Broglie wavelength of photon equals the wavelength of electromagnetic radiation of which the photon is quantum energy and मोमेंटम यानी कि जो डी लॉगली वेवलेंथ है एक फोटोन के लिए वो इक्वल है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिशन जिसकी वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका सेम है ठीक है दोनों का अब नोट है कि द वेवलेंथ फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल अ बॉल इज एक्सट्रीमली स्मॉल दियर फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस डू नॉट शो वेव नेचर यानी कि जो वेबलेंथ होती है हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि एक बॉल हो गई वो बहुत ही छोटी है ठीक है अ बॉल इज एक्सट्रीमली स्मॉल देयर फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है वेब नेचर को शो नहीं करते हैं अब कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन मास हो जिसका चार्ज है इसमें ई e हो एसिलेशन उसका हो फ्रॉम रेस्ट पोटेंशियल ठीक है अब हमने कहा कि उसकी एनर्जी तो e के है जो इक्वल होगी वर्कडन ईवीवल टू वी हो गया अब हमें है कि ऑल्सो हाफ एम बी स्क्वा होता है और पी स्क्र अपॉन टू एम लिख सकते हैं जीएर फोर पी इक्वल टू अंडर रूट टू एम के या फिर अंडर रूट टू एम जगह क्या लगता है हमने e यहाँ से वैल्यू रखती तो है वो एच अपॉन पी के जो एच अपन अंडर रूट

एट द सेम टाइम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है यानी कि ये पॉसिबल है ही नहीं किसी भी पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम एक ही साथ मेजर कर सको एक ही टाइम पे दैट सर्टेंटिटी इन मेजरिंग

ठीक है इट एज अ डेफिनेट वेवलेंथ ले डेफिनेट मोमेंटम है तो उसके बाद डेफिनेट वेवलेंथ भी होगी ठीक है अ वेव ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ एक्सटेंड्स ऑल ओवर सरफेस अब जो एक वेव है जिसकी जो कुछ डेफिनेट वेव लेंथ है वो पूरे सरफेस स्पेस में क्या होती है एक्सटेंड होती है बाय बॉन्स स्टेबिलिटी इंटरप्रिटेशन दिस मीन द इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन एनी फाइनाइट रीजन अब जो, जो बॉन्ने की प्रोबरिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी फाइनाइट रीजन में लोकलाइज नहीं होते हैं दैट इज इट्स पोजिशन अनसर्टेनिटी इज इन्फ अब उसकी जो पोजिशन की अनसर्टेनिटी है वो इन्फनाइट है जिसे

रेशियो आ गया ठीक है अब उसकी स्पीड निकालनी है तो लैमडा पी कर ये पूरा वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला ठीक है तो रैमडा पी इक्वर देता तो बीपीए बॉल बी नॉट इक्वल टू टू आपका क्या आ गया आंसर अब है डेविशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट एम कैस का दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ये वेरीफाई करता है एपेरेटिस एंड वर्किंग एन इलेक्ट्रॉन गन विच कंप्राइजेस ऑफ अ टनजेस्टेंट फिलामेंट एफ कोटेड विद वेरियम ऑक्साइड इज हीटेड बाय अ लो वोल्टेज पावर सप्लाई एंड एम्स इलेक्ट्रॉन विच आर एसिलेटेड बाई हाई वोल्टेज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गन है जो टंजेस्टेंट फिलामेंट एफ पे क्या करता है बना होता है ठीक है कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड उसमें बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है वह लो वोल्टेज पावर सप्लाई लो वोल्टेज पावर सप्लाई होता है उसमें एंड एमर्सी इलेक्ट्रॉन विच आर एसिलेरेटेड बाय यूजिंग हाई वोल्टेज ठीक है हाई वोल्टेज में क्या होता है एमिट करता है वो दे आर मेड टू पास थ्रो अ सिलेंडर अब उन्हें क्या करना चाहते हैं एक पास एक सिलेंडर से पास होना पड़ता है ठीक है होल्स सलॉन्ग इट्स एक्सिस प्रोड्यूसिंग अ फाइन बीम अब उसमें बहुत सारे होल होते हैं और उसके बाद जब वो पार निकलती है बीम ऑफ लाइट निकलती है बीम इज मेड टू फॉल ऑनस्टल में गिरती है द इलेक्ट्रॉन से आइटम्स ऑफ द क्रिस्टल अब निकिले में टकराने के बाद जो भी लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है स्कैटर हो जाती है द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम स्केटर इन गिवन डायरेक्शन इज मेजर्ड बाई द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर अब हम उससे कितने

एंगल टू डिग्री अब हमने कहा कि अगर हमने नोटिस किया कि जो इंटेंसिटी है वो अपने पीक पे होगी जब उसका क्या होगा वोल्टेज फिफ्टी फोर भी होगा और उसका स्कैटरिंग एंगल थी टू फिफ्टी डिग्री होगा ठीक है अब कैलकुलेशन है कुछ फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन मेजरमेंट है जो वेबलैंथ होती है वो हमको पता है कि लेकिन टू सेवन बाई एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है अब वी की जगह जीरो पॉइंट फाइव रख देते हैं हम तो हमारी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से है, अब इसका रिजल्ट क्या है एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेड वैल्यू ऑफ डीप अग्रीबे यानी कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट एग्रीमेंट है किसके बीच में थ्योरिटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटिकल वैल्यू है जो डी ब्रोकली थी की, वेव की ठीक है डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट थर्स स्ट्राइकिंगली कन्फर्म्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रोकली रिलेशन डी ब्रोकली, ब्रोकली तो वैसे में पहले ही खुद से बिल्कुल सही था अब क्या क्या डेविशन जर्मन ने स्ट्राइकिंगली जो वेव नेचर है वो दिखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वेव नेचर दिखाते हैं साथ ही साथ डी ब्रोकली रिलेशन को भी दिखाते करके उसने ये दिखा दिया तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझे होंगे अगर आपको इसमें से ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम आपको दोबारा से अच्छे से समझा सकें ठीक है तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन वीडियोज़ के लिए तब तक के लिए दो गज की दूरी मास्क है जरूरी अपना ध्यान रखिए अपने घर वालों का ध्यान रखिए आसपास पास आप सही बनाए रखें मिलिए नेक्स्ट वीडियो में तो टोटल थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर जय जय भारत